Morning students, yesterday we have learnt about the river valley civilization and how the civilization began. Today we will discuss about the silent features of civilization of 6th standard of history subject. So what are the features of civilization? हमने discuss किया था कि civilization क्या होती है. Civilization होती है जिसमें जो group of people होते हैं एक बहुत ही systematic और अच्छे तरीके से इकट्ठे मिलके रहते हैं, एक law and order के अंडर रहते हैं, that is called as civilization. Now we will proceed कि इसके features कौन से हैं. First feature है people live in cities and towns. There is settled life. लोग जो होते हैं वो cities में रहते हैं, towns में रहते हैं, वहाँ पर एक settled life होती है. Settled life मतलब वहाँ पर हर चीज़ आपको available होती है. Surplus food is produced by the villager. Extra food. Surplus food मतलब extra food जो है जो villagers जो होते हैं, farmers जो होते हैं, वो produce करते हैं. This allows other to carry out craftsmanship, trade and other activities as their basic need for food is fulfilled by the surplus produced. जो आपने surplus produce किया होता है वो आपको allow करता है, वो आपको help करता है to क्या करने के लिए, craftsmanship के लिए, व्यापार करने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए. देखो जितना आपको चाहिए होगा उतना तो अनाज अपने पास रख लोगे, बाकी अनाज ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, बेचोगे, तो वो क्या करेगा, व्यापार बढ़ाएगा आपका और अदर एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करेगा. ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशंस डेवलप. इससे क्या होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरी सिटीज़ के साथ आपके रिलेशन जो होते हैं व्यापार करने के लिए बढ़ते हैं. देर इज़ ए रिटन लैंग्वेज. जो सिविलाइजेशन होती है उसमें लैंग्वेज क्या होती है, रिटन. अब देखो जितने वर्ड्स यहाँ बुक पे लिखे लिखे हुए हैं, इट इज़ द रिटन फॉर्म ना, तो जब रिटन फॉर्म में क्यों है, बिकॉज वी आर इन ए सिविलाइजेशन. द रिटन लैंग्वेज हेल्प्स इन द एनहांसमेंट ऑफ लैंग्वेज विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपिंग सिविलाइजेशन. जब कोई लैंग्वेज रिटन रूप में होती है उससे हमारी नॉलेज क्या होती है, एक्सपैंड होती है. हम जो चीज़ हमें लिखी हुई है, अब मैं बोल रही हूँ शायद आप भूल जाओ, लेकिन जो रिटन में होगा सारा लिखा हुआ, आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आप उसको रिकॉल कर लोगे, याद आ जाएगा आपको, जो हमारी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. टाउन प्लानिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस. इसमें क्या होता है, लोग सिटीज़ में रहते हैं तो टाउन की क्या होती है, प्लानिंग होती है, सफाई की जाती है, वेलफेयर के काम करवाए जाते हैं सिटीज़ में, है ना, हॉस्पिटल्स होते हैं, हर चीज़ फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है. देर आर डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड आर्ट फॉर्म्स. इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, ठीक है, रिलीजन भी अलग अलग तरह के वहाँ पे लोग रहते होंगे, इकट्ठे रहते होंगे. फाइनली देयर इज़ अ गवर्नमेंट टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द लॉस एंड पनिश द लॉ ब्रेकर. इसके अलावा सिविलाइजेशन का फीचर्स क्या होता है, जिसमें एक सरकार होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, लॉस बनाना, उनको बनाना, उनको लागू करना, मेकिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना. और जो लॉ को तोड़ता है, लॉ ब्रेकर्स होते हैं, जो लॉ को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उनको क्या कर, पनिश करना. जैसे कि अब कोरोना वायरस फैला हुआ है तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है कि आप घर के अंदर हो, लेकिन तब भी लोग बाहर आ रहे हैं, लोग जो हैं उस लॉ का अवंगना कर रहे हैं, कर्फ्यू लगने पे भी बाहर आ रहे हैं, तो दे आर पनिशिंग, क्या कर रहे हैं, वो पनिशिंग कर रहे हैं. तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. बेटा ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपने दो आज रीड करने घर में बैठ के. आई विल गिव यू द होमवर्क आफ्टर दैट, ठीक है, थैंक यू.